प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में निजी क्षेत्रों में स्थान उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को 40,000 रुपए मासिक तक की नौकरियों में 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। नियुक्ति देने वाले की तरफ से नियमों का उल्लंघन करने पर 5,00,000 रुपए तक दंड लगाया जा सकेगा। नियुक्ति प्रक्रिया पर नजर रखने और जांच के लिए समिति के गठन करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। वहीं इस अधिनियम के लागू होने के 3 महीने के अंदर इसके दायरे में आने वाली संस्थाओं को पोर्टल पर ऐसे कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिन्हें 40,000 रुपए तक वेतन मिलता है। ऐसे खाली पदों में 75% पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। नियुक्ति के दौरान विस्थापितों और समाज के सभी वर्गों का ध्यान भी रखना होगा। वहीं झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों को भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को इस अधिनियम का फायदा नहीं मिलेगा। अधिनियम में अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान भी किया गया है। वहीं नियुक्ति की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए डिजिग्नेटेड ऑफिसर की अध्यक्षता में गठित समिति में सदस्य के रूप में स्थानीय विधायक या उनका नामित प्रतिनिधि, उप विकास आयुक्त, संबंधित अंचल के सीओ, जिले के श्रम अधीक्षक और जिला नियोजन पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे। वहीं इसमें स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए नौकरीदाता को निर्देश दिया जा सकेगा। नौकरीदाता की तरफ से पेश किए गए प्रतिवेदन की जांच के लिए दस्तावेजों की मांग की जा सकेगी। नियोक्ता को पदाधिकारी की तरफ से पारित किसी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा। अपीलीय पदाधिकारी 60 दिनों के अंदर अपील का निष्पादन करेंगे। अधिनियम में दंड का प्रावधान है। जी हां, अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने यानी 40,000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले नियोक्ता पर 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का दंड लगाया जा सकेगा। उल्लंघन प्रमाणित होने के बाद भी उल्लंघन करना जारी रहने की स्थिति में 2,000 रुपए प्रतिदिन की दर से दंड लगाया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 4 यानी 75% आरक्षण नहीं देने पर नियोक्ता पर 50,000 से 2,00,000 रुपए तक दंड लगाया जाएगा। नियोक्ता की तरफ से किसी मामले में गलत या झूठा प्रतिवेदन पर 50,000 रुपए दंड लगाया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार ने बजट सत्र के दौरान ही निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पेश किया था। राजनीतिक दलों की मांग पर इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।